नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, इसके मैप्स के बारे में। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में, विश्व के प्रमुख द्वीप देखे थे। आज बात करेंगे विश्व के वन व वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, किस विश्व के प्रमुख वन व वनस्पतियां देखेंगे। याद रखिए, आपके जितने भी मैप से संबंधित चैप्टर खत्म हो चुके हैं वो सभी एक जगह मिल जाएंगे आपको। वो है आपकी अपनी मैप्स के नाम से प्लेलिस्ट सूची। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग मैप्स देख लेते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। क्या है? ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। इसमें हमारा प्यारा एशिया, सबसे पहले बात करते हैं। तो एशिया है हमारा, ए कहाँ है? ए हमारा पूरा एशिया। इसमें ये आपका यहाँ भारत है, ये आपका चीन है, यहाँ आपका थाईलैंड म्यांमार लगा हुआ है, और यही बगल में थाईलैंड है आपका। ये म्यांमार हो गया और यही थाईलैंड है। यहाँ मलेशिया है, ऊपर बात करें तो रूस है आपका, और यही ये मंगोलिया है। यहाँ आपके किर्गिस्तान हो गए, पाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, यही अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान यहाँ। ठीक है, यहाँ आपका ओमान हो गया, यमन, सऊदी अरब। ठीक है, ये आपका यूरोप है। क्या है? यूरोप है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड हो गया। ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर है। ऊपर चलें तो यहाँ ये आपका आइसलैंड है, और ये ग्रीनलैंड है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो इसकी प्रमुख हमें वनस्पतियां देखने हैं, देखना है। ठीक है, जैसे आपका ये टैगा वन है, संकुल वन है, ये आपका टुंडा वन फैला हुआ है, ये आपके वन विहीन क्षेत्र है, ये आपका वन विहीन, वन विहीन। ठीक है, यहाँ आपका क्या है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है यहाँ, ये आपका वन विहीन क्षेत्र है, और ये आपका जो है ये विषुवत रेखीय वन है, ये आपका भारत में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, ये आपका फैला हुआ है शीतोष्ण मिश्रित वन, तो ये भी आपका शीतोष्ण मिश्रित वन, ये आपका विषुवत रेखीय वन है, यहाँ ये आपका उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है, यहाँ आपके वन विहीन है ये पूरा, यहाँ आपका संकुल वन है। ठीक, ये वन विहीन, ये वन विहीन है, ये आपका यहाँ टैगा वन है। चलिए, तो ये थे आपकी कुछ जानकारी, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग पॉइंट देखेंगे इसके जो हमें याद रखना है। बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। यह वन पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय भागों में जहां प्रायः 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है वहां मिलते हैं। किस तरह के? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे क्षेत्रों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ के वनों में उगने वाले वृक्षों की बात करें तो वृक्ष की पत्तियां चौड़ी होती हैं तथा लकड़ी कठोर होती है। इन वनों का विस्तार दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में जायरे बेसिन व गिनी तट पर है, एशिया में इंडोनेशिया, दक्षिणी म्यांमार, भारत के पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश और मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर है। इसमें इनमें आपके महोगनी, आइवरी, रोजवुड, एवोनी, सेंकोना, रबर, स्पेनिश सीडर, कोका, ग्रीन हार्ट, लिग्नम, लागवुड, डाइवुड, सीवा और
और ताड़ इत्यादि उगते हैं यहाँ वृक्ष। ठीक है, यह सभी आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। फिर बात करते हैं अर्ध सदाबहार वन। ये वन उष्णकटिबंध में उन भागों में मिलते हैं जहां 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा में मौसमी परिवर्तन होता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं शीत ऋतु में शुष्क रहता है। इस कारण यहाँ की वनस्पति वर्ष भर हरी भरी नहीं रहती हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शरद काल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। शुष्क काल लंबा और तापमान उच्च के कारण वृक्ष हेमंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, उत्तरी तथा मध्य म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी ब्राजील, कैरिबियाई तट क्षेत्र, मध्य अमेरिका, पूर्व अफ्रीका, मलेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ के वनों की बात करें तो साल, सागवान, शीशम, बांस, बेत, गुर्जन, बरगद, नीम, कदम इत्यादि वृक्ष बहुतायत मात्रा में उगते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में पादप संगठन में प्रजातियों की विविधता और अपेक्षाकृत कम होती है। आगे बात करें हम लोग उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों की पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा की दोनों ओर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में अफ्रीका का विशाल सहारा, कालाहारी मरुस्थल, एशिया के अरब एवं थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के कोलोरेडो तथा एरिजोना मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका की पेरू एवं आटाकामा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल सम्मिलित है। इन मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु अत्यंत शुष्क और विषम है। नागफनी, कंटीली झाड़ियां, मोटे पत्तों के घास यहाँ की प्रमुख वनस्पति। इन प्रदेशों में जल स्रोतों के समीप ताड़, खजूर, बबूल आदि के पेड़ पाए जाते हैं। बात करें भूमध्य सागरीय वन। एवं शीतोष्ण कटिबंध में 30 से 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इनका विस्तार स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, प्रायद्वीप, यूगोस्लाविया, यूनान, बुल्गारिया, टर्की, इजराइल तथा सीरिया इत्यादि देशों के तटीय भागों में कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। इन क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है। वर्षा औसतन लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक होता है। ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क तथा शीत ऋतु सामान्य और आर्द्र रहती है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, परंतु ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों से भिन्न होते हैं। यहाँ वर्ष में वर्षा केवल एक ऋतु में होती है, वह भी सामान्य मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें शुष्क सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में आपके मुख्यतः ओक, अंजीर, जैतून, नींबू, नारंगी, शहतूत, यूकेलिप्टस, जर्दा, कर्री, एस्पिनो, फिनियन इत्यादि वृक्ष उगते हैं। इनकी लकड़ी कठोर होती है। यूरोपीय देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वनस्पति के तीन स्तर पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी सतह का निर्माण ओक और अन्य सदाबहार वृक्षों द्वारा होता है। मार्क्वेस जैसी झाड़ियां वनस्पति द्वारा का दूसरा स्तर बनाती हैं। तीसरे स्तर पर 2 से 3 मीटर ऊंची झाड़ियां और छोटी छोटी घासें होती हैं। अफ्रीकी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पुष्पी पौधों और फिन बास झाड़ियों की प्रधानता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस वृक्ष और माली जाति की झाड़ियों का विस्तार अधिक है।
आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इनका विस्तार चीन, जापान, मंचूरिया, कोरिया, दक्षिण मध्य साइबेरिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट लॉरेंस बेसिन व ब्रिटिश कोलंबिया के मध्य भागों में है। पूर्वी तट के इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पवनों द्वारा वर्षा होती है, अतः है इनमें शीत ऋतु के प्रारंभ में पर्णपात होते हैं, जबकि पश्चिम तट के इन वनों में प्रयास शरद ऋतु में वर्षा होती है, अतः इसमें ग्रीष्म काल के आरंभ में पर्णपात होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें तो इसमें वृक्ष आपके शामिल हैं ओक, एस, एल्म, चेस्टनट, बर्च, मैपल, एस्पेन, वॉलनट, पॉपलर, हिकरी। इनकी झाड़ियों और लकड़ी सामान्यतः कठोर होती है, अतः इन वनों को कठोर लकड़ी के शीतोष्ण वन कहते हैं। फिर है आपका टैगा वन। इस प्रकार के वन शीतोष्ण कटिबंध बंदीय क्षेत्र में मिलते हैं उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया महाद्वीपों पर। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेशों में ये वन पूर्व पश्चिम की ओर और बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी तथा मध्य साइबेरिया इत्यादि देशों में मिलते हैं। इन्हें यहाँ टैगा नाम से पुकारते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका के थोड़े दक्षिणी भाग में ये वन पाए मिलते हैं। यह भाग दक्षिणी चिली तथा टेरा डेल फ्यूगो के अंतर्गत आता है। इन वनों में अत्यधिक शीत पड़ती है, वर्षा हिम के रूप में होती है। इन वनों में मुख्य वृक्षों की बात करें तो चीड़, सनोवर, लार्च, सीडर, हेमलॉक, साइप्रस, फर, रेडवुड, टेमेरिक इत्यादि हैं। इनकी लकड़ी कोमल होती है, अतः है इन्हें कोमल लकड़ी के शीतोष्ण वन भी कहा जाता है। शंकुआकार शिखर होने के कारण इन वृक्षों के वनों को शंकुवृक्षी वन कहा जाता है। फिर आपका सवाना घास का मैदान क्षेत्र। सवाना घास के क्षेत्र का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 अक्षांशों के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आपका दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, वेनेजुएला, मध्य ब्राजील, गयाना, पराग्वे, अफ्रीका में सूडान, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रमुख शामिल हैं। इन घास के क्षेत्र में सूडान में सवाना, दक्षिण में ब्राजील में कैंपोस, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड व वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। ये घास के मैदान है, इन्हें कई बार पूछ लेता है। इन घास क्षेत्रों में सूडान में सवाना, दक्षिणी ब्राजील में कैंपोस, दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड और वेनेजुएला में से लानोस कहते हैं। उष्ण आर्द्र और शुष्क जलवायु व मौसमी परिवर्तन इन क्षेत्रों की जलवायु की मुख्य विशेषता है। फिर बात करते हैं स्टेपी घास की। इनका सबसे अधिक विस्तार एशिया में कैस्पियन सागर के चारों ओर स्थित मध्य एशिया में है। इसके अतिरिक्त इनमें रूस का दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी का बेसिन, दक्षिणी अमेरिका में लाटा नदी का बेसिन, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदियों का बेसिन सम्मिलित है। महाद्वीपों के भीतर स्थित होने के कारण इन प्रदेशों की जलवायु अत्यंत विषम है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। भिन्न भिन्न स्थानों पर इन शीतोष्ण घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। यूरेशिया में इन्हें स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें बेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया में से डाउन्स कहते हैं। ये पूछ लेता है, ठीक है, कि बेल्ट्स कहाँ कहते हैं, अफ्रीका में कहते हैं, यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिणी अमेरिका में पंपास। उत्तरी अमेरिका में पेरी क्षेत्रों में घासों के मध्य ओक और हैकरी वृक्षों के झुरमुट भी पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का पंपास क्षेत्र समशीतोष्ण घाट का विस्तृत क्षेत्र। पंपास क्षेत्र के पूर्वी भाग में लंबी घास पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में बिरजा,
बॉम्बस फेनिकम लोलियम जाति की छोटी घास होती है। ऑस्ट्रेलिया के डांस घास क्षेत्रों में यूकेलिप्टस वृक्ष के साथ साथ पुआ, टोसोप तथा थमेड़ा ऑस्ट्रेलिया नामक घास की बहुलता है। फिर है आपका टुंडा वन। टुंडा का विस्तार उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा के द्वीपों, ग्रीनलैंड, यूरोपीय रूस, साइबेरिया के उत्तरी भाग में। लंबी शीत ऋतु और बर्फ हिम आवरण से ढके रहने के कारण टुंडा जलवायु के इन क्षेत्रों में वनस्पतियों के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं पाई जाती हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर के लगभग हिम के रूप में होती है, जबकि तापमान भी हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। ग्रीष्म काल के आगमन पर जब हिम आवरण हटता है तो विविध प्रकार की वनस्पति उगने लगती है। यह वनस्पति शीतानुकूलित होती है। अधिकांश पौधे गुच्छेदार होते हैं जिनकी ऊंचाई 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की वनस्पति में काई, लाइकेन, आर्किटिक बिलों की प्रधानता होती है। ठीक, तो ये आपका एक बार और मैप में देख लीजिए, ये आपका पूरा टुंडा वन क्षेत्र है। ठीक है, यह आपका टेगा, ये आपका संकुल वन है, ये आपके वन विहीन क्षेत्र है पूरा। ठीक है, यहाँ वन विहीन क्षेत्र, ये आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ये आपका शीत उष्ण अर्ध उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका वन विहीन क्षेत्र है, और फिर आपका ए और ए आपका विषुवतरेखीय वन है। कैसा है? विषुवतरेखीय वन। ये आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका वन विहीन क्षेत्र है, फिर आपका ए दक्षिणी अमेरिका में और ये आपका अफ्रीका में विषुवत रेखीय वन है, ये आपके विषुवत रेखीय वन है। फिर चलते हैं, तो ये आपका अर्ध उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है, ये आपका, और यहाँ ये आपका शीतोष्ण मिश्रित वन है। फिर आपका टैगा वन है, ये आपका वन विहीन क्षेत्र, और ये आपका संकुल वन है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रमुख, जो आपके विश्व के प्रमुख वन व वनस्पतियां हो गई। आगे हम बात करेंगे विश्व के उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। ठीक है,